गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये ब्लॉग मेरे कैंपस पे, जैसे मैंने पिछली बार बोला था पिछले ब्लॉग में कि मैं अगली वीडियो अपने कैंपस पे बनाऊंगा, तो ये वीडियो पूरी कैंपस पे ही है मेरे। तो मैं अभी जा रहा हूँ वीडियो शूट करने, सुबह 6 बजे उठाऊँ, पूरा फॉक हो रखा है अच्छे से। वेदर तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का। हाँ, वही सिर्फ मई टू सेप्टेम्बर में अच्छा रहता, तो अभी गेट पर आ गया हूँ मैं, ब्लॉग शूट करता हूँ तो को बताता हूँ मैं सर आगे, ठीक है। तो गाइस आ गया मैं गेट पे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरी जर्नी का, पूरा कैंपस वगैरह अंदर कैसा है। मैं भी रोड की इस तरफ था, रोड की उस तरफ जा रहा हूँ कैंपस पे। ये रहा मेरे पीछे गेट पूरा, मैं अंदर जा रहा हूँ कैंपस के। इसका फ्रंट कैम इतना अच्छा नहीं है, तो मैं बैक कैम से शूट करूँगा, तो देखिए बैक कैम के शूट सारे, ठीक है। ये रहा पूरा मेन गेट, ठीक है। और ये दो रास्ते हैं यहाँ से, ये जो राइड जा रहा है ये जा रहा है एर्नाकुलम टाउन और एर्नाकुलम जंक्शन के लिए। जो एर्नाकुलम टाउन है यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर्स, और एर्नाकुलम टाउन जो जंक्शन है वो है 17 किलोमीटर्स। और ये जा रहा है अलवा और एयरपोर्ट के लिए, तो अलवा यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर्स है अलवा रेलवे स्टेशन, और एयरपोर्ट है इधर से अप्रॉक्स 17 किलोमीटर, मतलब बराबर ही पड़ता है जंक्शन और एयरपोर्ट यहाँ से। तो चलते हैं अंदर, अब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है सारा। ये रही इधर जिम हमारी पूरी, ऊपर जिम है, स्पोर्ट्स रूम है, और नीचे कैंटीन है, और बीच में ऐसे म्यूजिक रूम वगैरह भी है, और यह फुटबॉल ग्राउंड पूरा, एंड ये है कैड ब्लॉक भाई। बहुत ही सुंदर है अंदर से भी, जैसा दिख रहा है बाहर सुंदर, अंदर से भी सुंदर ही है, काफी अच्छा है भाई अंदर से भी। अंदर से तो शायद मैं अभी नहीं दिखा सकता, कि अंदर से खुला नहीं है ये। हाँ, वो मैं जब आऊंगा ना तब दिखा दूंगा पूरा, अभी ऐसा व्यू देख लो पूरा। तो भाई ये था कैट ब्लॉक मेरे पीछे, पूरा कैट ब्लॉक है, और ये फुटबॉल ग्राउंड है मेरे पीछे, फुटबॉल हो गया। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी की साइड, ठीक है। लाइब्रेरी, ये रही लाइब्रेरी, बैक कैमरे पे करता हूँ। तो गाइस ये है लाइब्रेरी, स्ट्रक्चर देख लो पूरा राउंड शेप में ही है, और ये जो सीधे रास्ता जा रही है गर्ल्स हॉस्टल को है ये सामने वाली, इधर है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ये लाइब्रेरी है, खुल जाएगी जब। तो मैं आपको अब इसके लास्ट में देखना, समय सिनेमेटिक शॉर्ट्स वगैरह कुछ डाल दूंगा लास्ट में अंदर के सारे, तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखना। ये रही हमारी लाइब्रेरी पूरी, होल्ड करता हूँ थोड़ा, हिलेना ये, और फिर वो रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और फिर इधर ही एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने वाइस चांसलर का घर है, चलते हैं वहाँ तक दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट पिच है लेफ्ट साइड में। तो गाइस ये है वाइस चांसलर का घर, एंड दिस इज आवर लाइब्रेरी, एंड ये नीचे रोड जा रहा है वही गेट के लिए, फुटबॉल ग्राउंड ये है, सामने एकेडमिक ब्लॉक है, और फिर यही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। अंदर की बिल्डिंग का मैं शाम को वो तब जब जाऊंगा तब वीडियो बना के, लास्ट में लास्ट तक देखना ना, लास्ट में सारी वीडियोज़ के सिनेमेटिक शॉट्स पड़े रहेंगे, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ अपन हॉस्टल, ये है इधर से बॉयज़ हॉस्टल, वैसे मैं उधर से भी आ जाता गर्ल्स हॉस्टल से, उधर से फिर मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी लेना था, तो फिर मैं इधर से घूम के आ गया। तो बता दूंगा मैं कि गर्ल्स हॉस्टल को कहाँ से रास्ता है, बॉयज़ हॉस्टल को कहाँ से रास्ता है, पूरा कुछ नहीं, इतना बड़ा कैंपस नहीं है भाई, छोटा सा ही है, लेकिन हाँ सुंदर बहुत है। तो उधर गर्ल्स हॉस्टल, और वो नीचे रोड गया है वहाँ पे, वो पीछे वहीं पे मिल जाएगा जहाँ पे मैं बता रहा था लाइब्रेरी के सामने। ये है फैकल्टी हॉस्टल, एंड दिस इज़ बॉयज़ हॉस्टल। ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का बैक साइड, कार्स वगैरह खड़ी रहती हैं, एक तरह से पार्क हैं ये। चलो चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल ये रहा फैकल्टी हॉस्टल, और ये बॉयज़ हॉस्टल। मैं रूम दिखाता हूँ अंदर से कैसा है, बाकी मैस का फूड वगैरह तो नहीं दिखा रहा है मैं, कभी होगा तो दिखाऊंगा, वरना फूड वूड तो सब अच्छा ही रहता है भाई, एनएलयू का बहुत ही अच्छा खाना रहता है यहाँ पर, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों हैं। ये रहा गेट हमारे हॉस्टल का, गेट, चलते हैं अंदर। सामने मैस है इधर को, मेरा रूम इधर है फर्स्ट फ्लोर पे, बट मैं जाऊंगा सेकंड फ्लोर पे।
गाइस मैं आपको यहाँ पे रूम दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। अपना रूम तो नहीं दिखा सकता था, बहुत ही सारा उसमें सामान वगैरह पड़ा था। तो ये रहा रूम, 3% शेयरिंग रूम रहता है ये। 3 बेड 3 टेबल्स, चेयर्स भी होती हैं 3, और ये रहे 3 अलमीराज वगैरह इसमें, सबके अपने अलग अलग अलमीराज। ये रहा वॉशरूम, शावर, मिरर, सारा कुछ है इसमें। हैंग करने के लिए नहीं है कुछ भी, बाकी सारा ये देखो। विंडो से व्यू दिखाता हूँ, अच्छे से व्यू आता है। तो देखो एंजॉय करो, मैं सिनेमेटिक शॉट्स डाल दूंगा बाद में, वो देखो जरा। और सारी बिल्डिंग के अंदर से ऐसा कैड ब्लॉक था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, और जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर के सारे शॉट्स डालूंगा मैं, तो अंदर से देखने को मिल जाएगा कैसे क्या है। तो फिर बाय, मिलते हैं अगली ब्लॉक में, उसको देखो एंजॉय करो। सब्सक्राइब ठोक देना भाई, लाइक भी कर देना। बाय।